सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटीन एजुकेशन में। तो पुनः एक बार फिर हम लोग क्लास 11th भौतिक विज्ञान के साथ हम उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल स्टेट मोशन। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोगों को पढ़ना था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना है, गति के समीकरण को देखना है। तो विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि जब सरल रेखा में कोई भी कण, कोई वस्तु, कोई पदार्थ गति करता है तो उससे संबंधित तीन प्रकार के इक्वेशन दिए गए हैं। अर्थात सरल रेखा में गति कर रहे पिंड के लिए तीन प्रकार के जो समीकरण हैं वो तीन समीकरण हैं। वो कौन कौन से हैं समीकरण? तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3, जिसमें प्रथम समीकरण का नाम आता है प्रथम समीकरण, और उसके बाद से द्वितीय समीकरण, और उसके बाद तृतीय समीकरण। ध्यान ये देना है कि जो प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण का जो सूत्र होता है v बराबर u प्लस at, s बराबर दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at² और तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपसे समस्या कहाँ पर होती है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गति का प्रथम समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण कौन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको या इसको बता देंगे, यानी कि इसका जब ऑर्डर चेंज कर देंगे आपका इक्वेशन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यदि यह आपका v बराबर u प्लस at है तो यह गति का प्रथम समीकरण ही है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ही है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड। तो इनका ऑर्डर आप याद रखें कि कौन क्या है, ठीक है। तो इसको एकदम थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे कुछ चीज़ों में इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इसमें u है तो u को कहते हैं इनिशियल वेलासिटी। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलासिटी, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। v को कहते हैं अंतिम वेग, लास्ट या फाइनल वेलासिटी। और a को कहते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माने त्वरण या रेखीय त्वरण। और t माने आप जानते ही हैं कि समय है, और s बराबर जानते हैं कि क्या है, दूरी, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, इतना चीज में जो चीज भी दिया है सबको मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अब देखिए, इसका हम लोगों को डेरिवेशन करना है, इसका हम लोगों को निगमन करना है। तो निगमन इसका हम दो तीन तरीके से करते हैं। निगमन कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहला होता है थ्योरेटिकल मेथड, यानी कि जो आप लॉजिक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उस थ्योरी के आधार पे हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। और दूसरा जो है अवकलन या समाकलन विधि द्वारा, और तीसरा जो है वह है आपका ग्राफीय विधि द्वारा। तो 11th में आपको तीनों प्रकार के पढ़ने हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं थ्योरेटिकल मेथड द्वारा, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। आपसे कहा जाएगा कि गति का प्रथम समीकरण क्या है, उसका निगमन कीजिए। तो निगमन करने के लिए आप कैसे काम करेंगे, तो थोड़ा सा आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो गति के तीन समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। तो बारी बारी से इन सबको हम लोग देखेंगे, आप इसको समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला, इसमें पहला जो गति का समीकरण है वह क्या है विद्यार्थियों? तो वी बराबर यू प्लस एटी, यही है। इसी का हम लोगों को क्या करना है? निगमन करना है। यदि हम लिखें यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है और समय है, तो चलिए इसको मैं बना करके अपने भाषा में लिख रहा हूँ, आपको ये ढंग आना चाहिए बनाने के लिए। तो देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड अगर जब चलना शुरू करता है तो उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, और कुछ समय पश्चात जो वेग प्राप्त करता है उसको अंतिम वेग कहते हैं, और उसमें जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं, और जो दूरी तय करता है वह एस है। तो दूरी या विस्थापन तय करता है वो एस है। अब ध्यान ये देना है आपको कि जब यहां से जो कण जो चला होगा, तो हम लिख रहे हैं कि माना कोई कण प्रारंभिक वेग यू से गति प्रारंभ करता है, माना कोई कण प्रारंभिक वेग यू से गति प्रारंभ करता है, जिसका टी समय पश्चात
अंतिम वेग भी तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ए हो जाता है, ए हो जाता है। अतः हम लोग सूत्र जानते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समयांतराल। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय। तो त्वरण को किसे दर्शाते हैं, ए से, और वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। चलिए वही मान हम लिख दे रहे हैं और बटे में क्या हो जाएगा, समय। तो अंतिम वेग क्या है, वी है, और प्रारंभिक वेग क्या हम लोग माने हैं, यू, और बटे में टी। इसी को हल करेंगे तो ए टी बराबर वी माइनस यू, यू को इधर ला देंगे तो यही हो जाएगा वी बराबर यू प्लस ए टी। समझ में आया, ये हम लोगों का पहला इक्वेशन हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करना कितना आसान था, इसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए प्रथम समीकरण के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय समीकरण कैसे, द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। तो आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद मैं द्वितीय समीकरण का आपको निगमन बताता हूँ कैसे करेंगे। लोगों ने इसको नोट कर लिया, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसको मैं भी रहने दे रहा हूँ, इसका काम पड़ेगा अभी लिखने से। देखिए दूसरा, दूसरा हम लोग को पढ़ना है एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, इसका हम लोगों को निगमन करना है। चलिए, तो माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करता है जिसका t समय पश्चात अंतिम वेग v तथा उसमें उत्पन्न त्वरण a हो जाता है। त्वरण a एवं एक चीज और इसमें जोड़ दे रहा हूं, दूरी s हो जाती है, या चाहे दूरी s तय करता है, ठीक ना, दूरी या विस्थापन s तय करता है, क्योंकि सूत्र तो विस्थापन ही होगा, तो दूरी लिखें चाहे विस्थापन, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वही विस्थापन होगी, पर हम उसको एस लिखें, एस तय करता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे। अतः हम लोगों के पास सूत्र एक पता है, ये बहुत छोटे थे तब से हम लोग पढ़ रहे थे कि दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय, चाल गुणे समय। अब ध्यान दीजिए, जब दो प्रकार के वेग हैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो यहां पर जो चाल हम लिखेंगे वो उसको क्या लिखेंगे, औसत चाल लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, औसत चाल और गुणे समय। तो औसत चाल निकालेंगे, तो पहले यहां आप अलग से औसत चाल निकाल लीजिए, तो औसत चाल बराबर, अब दो अलग अलग वेग से गति कर रहा है और दूरी नहीं दिया है, माने दूरी अब इसकी क्या है, ये u वेग से कितना दूरी तक चला होगा, v से कितना चला है, इसके लिए औसत वेग निकालेंगे, तो u प्लस v और बटे में कौन क्या कर देंगे, दो कर देंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे में दो माने औसत वेग। तो दूरी को किससे दर्शाते हैं, s से, औसत चाल के जगह पर चाहे औसत वेग लिख दे रहा हूं इसको, औसत वेग, तो औसत वेग की जगह पर हम क्या लिखते हैं, यू और प्लस वी और बटे में टू, और समय की जगह पर टी। अब देखिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं, जानते क्या हैं, अभी हम लोगों ने गति का समीकरण निकाला था v बराबर u प्लस at, तो इस v के जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर ले, तो करेंगे तो s बराबर u और प्लस v के जगह पर u और प्लस at और बटे में कितना है 2, और ये हो जाएगा t। अब इस t का इसमें गुणा करिए, कोष्ठक हटा दीजिए, तो गुणा करेंगे तो s बराबर u और u कितना हो जाएगा 2u, और 2u में t से गुणा करेंगे तो 2u t और बटे में 2 और प्लस ये हो जाएगा at, और t से गुणा करेंगे तो at स्क्वायर और बटे में कितना 2, अब ये 2 से 2 कट गया। अब s बराबर कितना हो जाएगा ut प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर, यानी आपका जो फाइनली सूत्र बना s बराबर ut प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर, ये आप लोगों ने देखा। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे, यानी ये जो चीज है हम लोगों ने निकाल लिया है, तो आप इसको समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ लिए, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, औसत वेग हम लोग निकाल लेते, तो हम अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे सूत्र का डेरिवेशन कैसे होगा, तो ये हो गया कंप्लीट, उसके बाद तीसरे का, चलिए तीसरा हम लोग बनाते हैं।
तो तीसरा कैसे बनेगा, चलिए इसको मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि इसको लिखने से बेहतर है, हाइये है, लिखा ही गया है। अब तीसरा इक्वेशन जो है होता है, तीसरा इक्वेशन क्या, वी बराबर सॉरी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए डैश, यही ना है तीसरा, इसी का डेरिवेशन करना है। तो वही चीज जो सेम चीज हमने लिख दिया वही चीज इसमें भी रहेगा। तो अब हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोगों को पता है कि वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए, ये हम लोग समीकरण जानते हैं, समीकरण नंबर एक का दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए इसी समीकरण नंबर एक से ही हम तीसरे समीकरण का निगमन कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल वर्ग, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस टू ए यू टी, इतना होगा ठीक। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, देखिए वी स्क्वायर यू बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस निकालना है। तो देखिए अब आपको ये और ये दो चीज मिल गए हैं, दो चीज बचे हुए हैं, तो इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कल्पना करिए, इसमें भी ए है इसमें भी ए है लेकिन इसमें टू है और इसमें टू नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर में से टू को कॉमन करें, दो को निकालें, तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए, दो से भाग दे दीजिए, मान लो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पुनः वही आ जाएगा। तो अब इसमें से चाहेंगे तो टू ए को कॉमन कर देंगे तो बटे में वन बाई टू बचेगा, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं ठीक ना। तो चलिए हम पहले लिख दे रहे हैं टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में टू और प्लस टू ए यू टी, आप समझ रहे होंगे इसको, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए को कॉमन कर दे रहे हैं, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक ए बचेगा ना और टी स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा एक बटा दो, तो एक बटा दो ए टी स्क्वायर प्लस टू ए को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा यू टी। और आप एक चीज जानते हैं, जानते क्या हैं, तो जानते ये हैं कि एस बराबर होता है यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, ये अभी आप पढ़े हैं दूसरे इक्वेशन को निगमन किए थे, तो यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे एस, तो अब यही आपका सूत्र क्या बन जाएगा, देखिए सूत्र बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी कि आप लोगों ने तीसरे का भी डेरिवेशन कर लिया, कितना सिंपल था। तो आप इसे नोट करें और उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको समाकलन विधि द्वारा, अवकलन या समाकलन विधि द्वारा इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये तो सिंपल तरीका था। आपसे ये नहीं कहेगा एग्जाम में कि आप समाकलन से करो या वक्रीय विधि द्वारा करो, ग्राफीय विधि द्वारा करो या ये थ्योरेटिकल विधि द्वारा करो यानी कि सैद्धांतिक विधि द्वारा करो, ऐसे कुछ नहीं कहे, कहेगा कि गति के प्रथम समीकरण का निगमन कीजिए, द्वितीय कार्य करिए, तीसरे का करिए, किसी भी विधि से आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उस प्रोसेस को भी मैं बता देता हूँ ठीक है। इसको नोट कर लिया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कलन विधि द्वारा, कैलकुलस मेथड द्वारा, विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है कि इन तीनों समीकरणों का कलन विधि द्वारा, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूं कि कलन विधि द्वारा, कलन विधि का मतलब होता है समाकलन या अवकलन विधि, कैलकुलस मेथड द्वारा इस गति के समीकरणों का निगमन कैसे करेंगे ठीक है। तो कलन विधि द्वारा हम लोगों को गति के समीकरण का निगमन करना है, पहला समीकरण क्या है वी बराबर यू प्लस ए टी, इसी का निगमन करना है ठीक ना। तो अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा मानने वाली प्रोसेस कि माना कोई कण टी बराबर जीरो, बात समझिएगा, अगर कोई भी वस्तु चलना जब शुरू करेगा, कोई भी वस्तु हो जब चलना शुरू करेगा, तो जब चलना शुरू करेगा तो वहां का समय जीरो होगा, क्योंकि वहां से मूल बिंदु से चलना शुरू करेगा तो वहां का समय जीरो, तो जीरो से चलना शुरू करेगा, जिस समय चलना शुरू करेगा तो उस वेग को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और कुछ समय में जो दूरी तय करेगा वो तो दूरी एस होगी और उस समय का वेग भी होगा, और जो उसके वेग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा त्वरण ए होगा। तो अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि हमने लिखा कि माना कोई कण टी बराबर जीरो से गति
प्रारंभ करता है, गति प्रारंभ करता है। यानी कि माना कोई कण t बराबर जीरो से गति t बराबर जीरो से गति प्रारंभ करता है। जब गति प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभ करता है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा t बराबर t समय, ठीक ना, यानी कि t बराबर जीरो था कुछ समय में, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं कि t समय तथा t समय पश्चात त्वरण a तथा अंतिम वेग भी हो जाता है। त्वरण ए और अंतिम वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है। अतः हम इसी को लिखें कि किसी क्षण टी बराबर जीरो पर, यानी कि किसी क्षण कण, किसी क्षण कण का त्वरण ए बराबर, अच्छा तात्क्षणिक त्वरण पढ़े थे ना, ए बराबर डी वी अपान डी टी। तो हम लिखेंगे किसी क्षण कण का त्वरण जो है कितना होगा, तो ए बराबर इसी को लिख सकते हैं डी वी और बटे में डी टी, ऐसा हम लोग कहीं पर पढ़े थे, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू डी टी बराबर डी वी। क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए इंटू डी टी और ये बराबर डी वी। अब देखिए इनकी लिमिट है, वेग जो है बदल रहा है, वेग क्या बदल रहा है, पहले प्रारंभिक वेग यू था और अंतिम वेग क्या हो गया भी हुआ, और समय पहले क्या था जीरो था और अंत में समय क्या हुआ टी हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पर वेग U तथा माने प्रारंभिक वेग U तथा T बराबर T पर चाहे T समय पश्चात वेग भी हो जाता है, भी हो। तो हमने लिखा कि T बराबर जीरो पर वेग U, प्रारंभिक वेग U तथा T समय पश्चात वेग क्या है भी हो, तो इन दोनों लिमिटों के अंतर्गत इसका हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे। जब इसका हम समाकलन करेंगे, अब इसी को अगर हम समीकरण मान लें तो इसका हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह है। अब उसके बाद से a इंटू डी टी और देखिए इसमें t के मान में चेंजिंग होगा, a में नहीं चेंज होगा क्योंकि यह त्वरण है कांस्टेंट होगा, तो t में चेंजिंग होगा। तो t में जब चेंजिंग होगा तो देखिए इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से शुरू, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, अपर ऊपर वाले को अपर लिमिट। तो नीचे वाला t बराबर कहाँ से जीरो से कहाँ तक टी तक, तो जीरो से टी तक बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है डी वी ना, तो हम लिख दिए डी वी। अब देखिए वी का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, यू से कहाँ तक वी तक, तो यहाँ पर लिख रहे हैं यू और यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा इसके खेल को समझते हैं। देखिए अगर समाकलन में dx रहेगा तो इसका मान होता है x, अगर dt रहेगा तो इसका मान होगा t, अगर dy होगा तो इसका मान होगा y। क्यों होगा इसको समझिए थोड़ा सा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। क्योंकि अगर समाकलन निकालते हैं तो अगर आप 1 का पावर 0 कर दें, 1 का पावर 0, अगर आप निकालना चाहते हैं कि dx बराबर 1, सॉरी dx बराबर x कैसे होता है, यही निकालना है। चलिए ये एक को हम लोग समझते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समाकलन dx है तो इसको 1 लिख सकते हैं, आ 1 इंटू dx लिख सकते हैं क्योंकि 1 से dx में गुणा करेंगे तो पुनः dx होगा, तो 1 का पावर 0 कर दीजिए कोई दिक्कत, तो चाहे सॉरी ये 1 का पावर 0 कर सकते हैं, तो 1 का माने किसी भी चीज का पावर अगर आप 0 करेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो यहाँ पर dx है तो dx में 1 है, और इसी 1 को ऐसे ना लिख करके बल्कि हम लोग इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि x का पावर 0, और x का पावर 0 लिख देंगे तो x के पावर 0 लिखने का मतलब हो गया कितना, 1। तो यहाँ पर हम 1 1 इंटू dx जो लिख रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 0 इंटू dx।
अब देखिए समान जो सूत्र होता है x का पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x का पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन। तो देखिए x का पावर n है तो यहाँ पर x का पावर कितना है जीरो, तो अगर इसका हल करेंगे तो x का पावर जीरो और सूत्र में क्या है प्लस वन और बटे में जीरो प्लस वन, तो ये हो जाएगा x का पावर वन और बटे में वन, यानी कि ये केवल कितना हो जाएगा x, यानी कि इसको हम लोगों ने हल किया तो x आया डायरेक्ट। तो उसी तरीके से dt को हल करेंगे तो क्या होगा t होगा, dv को हल करेंगे तो क्या होगा v होगा, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग समाकलन जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, इसकी लिमिट रहेगी, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, ठीक ना। तो इसमें से a को कॉमन कर लेंगे और इसे dt का समाकलन निकालेंगे तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और इसकी लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट t है बराबर। अब देखिए इस dv का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा v हो जाएगा, और इसकी लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। अब देखिए क्या करते हैं कि लिमिट इसकी पुट करते हैं, तो एक बार अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं हमेशा। तो देखिए हम इसी को लिख रहे हैं a, सॉरी हम लोगों को तो अब इसको चेंज करते हैं, देखिए a और उसके बाद से देखिए इस t के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो t के जगह पर t रखेंगे और माइनस t के जगह पर कितना जीरो बराबर। यहां पर देखिए भी वाले के लिए तो भी के जगह पर एक बार भी रखेंगे और एक बार कितना रखेंगे u, तो भी माइनस u। अब इसको हल करेंगे तो ए टी ये तो जीरो हो जाएगा बराबर भी माइनस u, अब ये u इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा भी बराबर u और प्लस ये वाला समझ में आया, तो आप इसको नोट कर लें। और उसके बाद से इसी तरीके से बताता हूँ कि दूसरा इक्वेशन इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसे चलिए, तो अब हम लोगों ने ये पहला देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा इक्वेशन कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए सब कुछ वो वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम वेग भी तथा दूरी एस तय करता है, चाहे हो जाता है आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब हम लोगों को निकालना है दूसरा इक्वेशन, जो दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, इसी का हम लोगों को निगमन करना है, ठीक ना। तो इसका निगमन करना है तो चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि किसी क्षण टी पर, किसी क्षण टी पर सूक्ष्म समय अंतराल डी टी में डी एस दूरी विस्थापित होता है, विस्थापित हो, हमने लिखा कि किसी क्षण टी पर डी टी में, टी पर डी टी में डी एस दूरी विस्थापित होता है। डी टी पर का मतलब क्या हुआ, देखिए किसी क्षण टी पर सूक्ष्म समय अंतराल डी टी में, यहां पर बल्कि ये चीज पॉइंट रहेगा कि सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी विस्थापित हो, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यहां से हम लोग एक सूत्र बनाएंगे कि v बराबर दूरी, माने दूरी कितना चल रहा है ds, और बटे में समय कितना इतना, ठीक ds बटे में dt। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि v इंटू डी टी बराबर ds, v इज इक्वल टू डी एस बटे में डी टी। अब देखिए इसको बना लीजिए समीकरण नंबर एक। अब देखिए किस किस में चेंज होगा, डी टी में चेंजिंग होगा और डी एस में चेंजिंग होगा। तो डी टी में क्या चेंज होगा और डी एस में क्या चेंज होगा, थोड़ा सा इसको आप देखें और समझेंगे होगा। देखिए यहां पर भी है लेकिन हम लोग को सूत्र में भी नहीं लाना है, यू लाना है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at, इसके मान को इसमें रख दें तो समीकरण एक में जब रखेंगे तो यही क्या हो जाएगा u प्लस at, u प्लस at v के जगह पर और यहां पर इंटू dt बराबर ds, ठीक है। ये चीज बन गया, यानी कि यही इक्वेशन। अब इसमें जब इस वैल्यू को पुट किए तो इतना हो गया। अब देखिए अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे थोड़ा सा समझेंगे। चलिए इसका पहले गुणा कर लेते हैं हम सब में, तो u इंटू डी टी, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी बराबर डी एस। अब देखिए t बराबर जीरो, t
टी बराबर जीरो। जब समय जीरो था तो दूरी भी कितनी रही होगी, जीरो रही होगी। जब टी बराबर जीरो पर एस बराबर क्या होगा, जीरो। और टी बराबर टी पर माने टी समय पर, जब टी समय चल दिया तब उस समय जो दूरी हो जाती है क्या होती है, एस हो, चाहे एस तय करता है, ठीक ना, एस हो जाती है। कहने का मतलब ये कि जब दूरी जीरो थी, जब समय जीरो था, जैसे हम यहां पर हैं तो यहाँ का समय अगर जीरो लिए तो दूरी हमने तो कुछ भी नहीं तय किया, तो दूरी भी क्या होगी, जीरो। जब यहाँ से हम चले तो यहाँ तक आने में टी समय लिए, तो यहाँ की जो दूरी, जब पहले और अंतिम की जो ये दूरी हो गई, वो दूरी कितनी हो गई, एस हो गई। तो वही मैंने टी बराबर टी पर जो दूरी है एस हो जाती है। तो इन दोनों के लिमिट में, मैंने टी बराबर जीरो से टी तक और एस बराबर जीरो से एस तक लेकर के इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इसी का, ठीक ना। तो अब देखिए इसी को हल करेंगे, तो हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन। देखिए इसमें u जो है कांस्टेंट है, क्योंकि प्रारंभिक वेग u से चलेगा, तो u को कॉमन कर दे रहे हैं। u को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt। और इसकी लिमिट कहाँ तक होगी, t की, t की लिमिट जीरो से t तक, तो लोअर लिमिट, और ये क्या होगी, अपर लिमिट। और प्लस इसमें देखिए ए टी इंटू डी टी, तो ए इसमें से कॉमन हो जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, और टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी, और इसका लिमिट होगी जीरो से टी तक बराबर। अब इधर देखिए एस है ना, डीएस है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं डीएस, इसमें कुछ कंसेंट नहीं है तो वही रहेगा। और एस का मान कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, जीरो से एस तक, तो जीरो से एस, ठीक। हल करिए, आप जानते हैं कि डी टी को हल करेंगे तो टी होगा, डी टी का समाकलन टी होगा, डी टी का समाकलन टी होगा। लेकिन यहाँ पर टी है तो डी का पावर कुछ नहीं है, तो कितना है, एक है। और जब इसका हल करेंगे, जैसे अगर आपको ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे दे दे कि x इंटू डी एक्स, तो देखिए यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। और सूत्र हम लोगों का जो होता है कि x का पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, तो घात 1 है, तो x का पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, यानी कि x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से t इंटू डी टी का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो u, और देखिए इस dt को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, t, और इसका कितना हो जाएगा, जीरो से कहां तक, t तक, और प्लस a, और इतने को हल करेंगे t into dt को, तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बटे में 2, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से t तक बराबर। ds को हल करेंगे तो ds का कितना हो जाएगा, s आ गया, इसकी लिमिट कहां से, जीरो से s तक, तो जीरो से s तक। थोड़ा सा 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको समझ लेंगे, जब एक दो बार इसको देखेंगे ना, बनाएंगे तो आप खुद समझ लेंगे इसको। तो अब देखिए इसको जब हल किए, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सब आ गया। अब आप जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते रहते हैं, यानी कि जो अंदर टी है इसके जगह पर एक बार टी रखेंगे, एक बार जीरो, टी के जगह पर टी रखेंगे, फिर उसके बाद जीरो, एस के जगह पर एस रखेंगे, उसके बाद जीरो। तो चलिए मान रख लेते हैं, तो यू और t के जगह पर t रखेंगे तो t माइनस जीरो, और प्लस a और t के जगह पर t रखेंगे तो t स्क्वायर बटे में 2 और माइनस जीरो, और बराबर s के जगह पर s रखेंगे तो s और माइनस जीरो, ठीक। अब इसी को हल कर देंगे, हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए u और t में गुणा होगा तो यू टी कैंसिल हो गया, बाकी जीरो वाला टर्म। अब देखिए ए टी, तो इसको 1/2 a t स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर s, और यही ना आपका है गति के दूसरा समीकरण, यही ना हम लोगों को निकालना था ये वाला। तो हम लोगों ने द्वितीय इक्वेशन को भी निकाला, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे होंगे, आप इसे नोट करें, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, पुनः मैं बताऊंगा इसको, लेकिन कमेंट जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, ताकि हम समझ सकें कि आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर रहे हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच मैं साइंस का, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का मिक्सचर, यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन को लेकर के ऑनलाइन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। बहुत जल्द उसकी डेट मैं अनाउंस करने वाला हूं, कर दूंगा, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी लोग अपना पार्टिसिपेट करिएगा। तो आप इसको नोट करें, ठीक है। चलिए तब हम लोग अब देख लेते हैं जो तीसरा इक्वेशन, थोड़ा सा वीडियो ये बड़ी होगी लेकिन आप इसको जरूर देखेंगे शुरू से अंत तक, आपको बहुत काम की चीज है ये।
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसी का अब हम लोग क्या करना है, निगमन करना है। ठीक है, जब हम लोग इसका निगमन करेंगे तो आइए देखते हैं इसका निगमन कैसे होगा। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, अगर हम इसमें लिख दें कि माना कण है, कोई भी कण, माना कोई कण सूक्ष्म समयांतराल डी टी में डी एस दूरी विस्थापित होता है। हमने लिखा कि माना कण सूक्ष्म समांतराल डी टी में डी एस दूरी विस्थापित होता है, जिससे कण के वेग में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, जब सूक्ष्म परिवर्तन हो गया यानी कि तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तो देखिए सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि त्वरण बराबर a बराबर होता है dv और बटे में dt। हम लोग क्या जानते हैं, dv बटे में tt, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों में ds से गुणा कर दूं, ds से, क्योंकि ds दूरी ना, क्योंकि इसमें s लाना है इसलिए मैं ds से गुणा कर रहा हूं, ठीक ना। तो अगर इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि dv और बटे में dt, dv बटे में dt इंटू ds बटे में ds। देखिए ds से ds कैंसिल हो जाएगा, फिर वही माना जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि डी एस बटे में डी टी इंटू डी वी बटे में डी टी, बताइए सर डी एस लिख सकते हैं, डी एस के बटे में डी टी को कर दिए और डी वी के बटे में डी एस को कर दिए। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि डी एस बटे में डी टी, डी एस बटे में डी टी बराबर क्या होता है, भी, इसी को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म परिवर्तन ये भी हो जाएगा आपका तात्क्षणिक वेग भी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। जब इसके जगह पर भी लिख सकते हैं तो अब हम लोग का यही सूत्र क्या बन गया, यही सूत्र हम लोग का बन गया, यदि इसके मान को इसमें पुट करते हैं तो ए बराबर कितना बन गया, तो ये तो ए का मान इतना हम लोग निकाले थे इतना बना था, और इसमें इसके जगह पर हम लोग भी रख रहे हैं तो ये हो गया भी आई इंटू डी वी और बटे में डी एस। ठीक है, चलिए बस काम हो गया, अब ए इंटू डी एस बराबर भी इंटू डी वी, बस हो गया, इसको हम बना रहे हैं समीकरण नंबर एक। ठीक, अब देखिए टी बराबर जीरो पर जो वेग होगा यू होगा और दूरी कितनी होगी, तो एस जीरो होगी, दूरी भी कितनी होगी जीरो, तो एस बराबर जीरो पर वेग भी बराबर कितना होगा प्रारंभिक वेग यू, आ एस पर माने दूरी जब एस तय करता है तो एस पर वेग बराबर कितना हो गया भी, यानी कि जब दूरी एस बराबर एस चले माने एस पर जब एस दूरी तय कर ले तो उस समय का वेग भी, आ जीरो पर प्रारंभिक वेग कितना होगा यू। तो इन लिमिटों के अंतर्गत समीकरण एक का हम समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए यही ना है आपका, अब इसी का हम लोगों का समाकलन करना है इन लिमिट के अंतर्गत। देखिए a इंटू डी एस का, तो a इसमें से कांस्टेंट कर देंगे, बाहर कर लिए, और उस कांस्टेंट त्वरण चूंकि कांस्टेंट है उसका मान चेंज नहीं होगा, ds का मान चेंज होगा, तो यहाँ पर ds, और ds का मान कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, जीरो से कहाँ तक, s तक, तो लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट s, और उसके बाद से बराबर भी को इसमें से हम बाहर निकालेंगे, सॉरी भी को बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए नहीं निकालेंगे कि यहाँ पर भी है, तो इस भी में चेंजिंग होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि इसका समाकलन करेंगे तो इसके रूप में, यानी कि यह x है तो यह x है यहाँ पर, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसमें चेंजिंग होगी। तो अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, यानी कि भी इंटू डी वी, यहाँ पर जो रहेगा वो इसके साथ रहेगा। अब देखिए इसका भी के मान में कहां से चेंजिंग हो रही है, यू से लेकर के कहां तक, भी तक। चलिए समाकलन करते हैं, डीएस का समाकलन कितना होगा एस, तो ए और ये कितना हो जाएगा एस, और इसकी लिमिट कहां से, जीरो से एस तक, जीरो से एस तक बराबर। अब देखिए
यहां पर जब करेंगे तो देखिए वी इंटू डी भी का हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू होगा, क्योंकि टी इंटू डी टी का कर रहे थे तो टी स्क्वायर बाई टू, एक्स इंटू डी एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि यहां पर एक घात है और सूत्र पर जब इसको तोड़ेंगे तो एक धन एक माने दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे में टू, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, यू से वी तक, ठीक ना, यू से वी तक। अब देखिए इसके मान को पुट करते हैं, एस की जगह पर एस माइनस जीरो, मतलब ए क्वेश्चन में एस माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर भी अपर लिमिट डालेंगे तो पहले डालेंगे वी स्क्वायर बाई टू और उसके बाद से माइनस, और वी की जगह पर क्या लिखेंगे यू, तो यू स्क्वायर बटे में टू, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग लिख देंगे ए एस बराबर वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, यहां पर टू है तो दोनों में से कॉमन करके यहां पर कर देंगे, तो कर देंगे तो यही देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा, तो टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर कर दीजिए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही गणित का तृतीय समीकरण था जिसका निगमन हम लोगों ने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, अगर ये पॉइंट समझ में आया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और एक पॉइंट और है जिसको मैं बता दे रहा हूं मात्र दो मिनट में, और उसके बाद से ये पॉइंट आज का वीडियो खत्म हो जाएगा, तो आप इसको पहले नोट करें, इंपॉर्टेंट है, इस पर बड़ा सूत्र इस पर क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये क्या है, तो टीमें सेकेंड में चली गई दूरी एस टी बराबर यू प्लस वन बाई टू ए कोष्ट में टू टी माइनस वन, इसी का डेरिवेशन करना है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बनते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए टी में सेकंड में चली गई दूरी हम लोग को निकालनी है और यही सूत्र इसका निगमन करता है, तो चलिए मैं उसका निगमन कर देता हूँ, बस सिंपली बस वही चीज सब कुछ वही वैसे ही मानेंगे, चलिए हम लिख दे रहे हैं कि टी में सेकेंड में चली गई दूरी बराबर टी सेकेंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी। थोड़ा सा बात समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई कण गति करता है तो उसके द्वारा 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा पिंडो, तो 4 सेकंड में नहीं, 4 सेकंड के बाद जो पांचवा शुरू हो रहा है केवल उस पांचवे वाले में, मैंने 1 सेकंड वाले में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो उसके लिए ये सूत्र है, तो उसी सूत्र को निकालने के लिए कि मैंने 1 सेकंड में कितना चला था, पांचवे सेकंड का पूछा तो 5 सेकंड में चली गई दूरी में से 4 सेकंड में से चली गई दूरी को घटा देंगे तो 1 सेकंड का दूरी निकल जाएगा, तो वही चीज हम यहाँ पर किए हैं, टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस वन सेकंड, माने 5 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 5 माइनस 1 माने 4 सेकंड में चली गई दूरी, और टी सेकंड में चली गई दूरी के लिए जो सूत्र होता है वो ये टी सेकंड में चली गई दूरी के लिए, तो देखिए इसी पर हम लोग इसको बनाएंगे, और टी में सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम एस टी लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए टी सेकंड में चली गई दूरी माने यू टी प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर, तो लिख रहे हैं यू टी प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर माइनस, अब देखिए जहां जहां टी है तो टी के जगह पर टी माइनस 1 सेकंड लिखेंगे, तो यही आपका हो जाएगा यू टी माइनस 1, यू टी माइनस 1 टी के जगह पर प्लस 1 बाय 2 ए और टी के जगह पर टी माइनस 1 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसका प्रसार थोड़ा सा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर माइनस, इसका हल करेंगे तो यू टी माइनस यू प्लस 1 बटा 2 ए, अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टी, इतना हो जाएगा, ए का गुणा कर दीजिए सब में, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर माइनस, माइनस का गुणा कर दे रहे हैं तो यू टी और माइनस माइनस प्लस यू, और देखिए यहाँ पर माइनस है और इस माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 1 बटा 2 का इसमें भी गुणा है तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2 ए टी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस 1 में इसका गुणा होगा तो 1 बाई 2 ए, और देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 टी है
और इसमें इसका गुणा होगा तो 1 by 2 a, और उसके बाद यहाँ पर क्या 2t, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माने ये कैंसिल, तो ये केवल कितना हो जाएगा 8t, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कट जाएगा, ut से ut कट जाएगा, 1/2 at स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ये और ये बचा, ठीक। तो at बराबर हम लोग लिख सकते हैं u, और उसके बाद से इसको हम लिख दे रहे हैं u प्लस at माइनस 1/2 a, लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें a है, इसमें भी a है, और यहाँ पर 2 है बटे में, तो बल्कि यहाँ पर गुणा करके और ऐसे इसको हम लोग कर सकते हैं, एस टी बराबर यू प्लस 1/2 ए को कॉमन कर रहे हैं, इसमें से 1/2 ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 नहीं है तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 1/2 निकलेगा, क्योंकि ए टी में अगर 1/2 को कॉमन करना चाहते हैं बटा 2 करेंगे नीचे तो यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए वही चीज़ हम कर लेते हैं, 1/2 को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2t माइनस 1, यानी कि यही हम लोगों को सूत्र निकालना था, और विद्यार्थियों हमने इस सूत्र को निकाल लिया, और इस सूत्र का प्रयोग करके हम टीवी सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात आप सबके लिए।